नंदीग्राम चुनाव में सुबंधु अधिकारी के हाथों चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी अपनी हार का बदला किसी न किसी तरह से लेना चाहती हैं। पहले तो उन्होंने सुबंधु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी और हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन जब मामला वहां नहीं बना तो अब नंदीग्राम स्थित सुबंधु अधिकारी के दफ्तर में पुलिस को भेज दिया। इस घटना के बाद सुबंधु अधिकारी और ममता बनर्जी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बिना कुछ बताए पुलिस सुबंधु अधिकारी के ऑफिस में घुस गई। पुलिस के पास ना तो कोई तलाशी वारंट था और ना ही उसने नेता प्रतिपक्ष को इस बात की जानकारी दी। सुबंधु अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी और बतौर सबूत दो वीडियो भी साझा किए। इस घटना के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक्शन में आ गए और उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी से मामले की रिपोर्ट तलब की है। राज्यपाल ने कहा कि एक विधायक कार्यालय पर इस तरह की कार्यवाही गहरी चिंता का विषय है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुबंधु अधिकारी से मिली चिंताजनक जानकारी के मामले में मुख्य सचिव से तत्काल एक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें नंदीग्राम स्थित उनके कार्यालय पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। धनखड़ ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव को रात 10 बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बाद में सुबंधु अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि पुलिस ने उनके कार्यालय में बलपूर्वक प्रवेश किया। अपने दावे के समर्थन में तीन वीडियो साझा करते हुए बीजेपी नेता सुबंधु ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के पश्चिम बंगाल पुलिस ने बलपूर्वक नंदीग्राम स्थित मेरे कार्यालय में प्रवेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।